येस सर, नमस्कार सर। नमस्कार। तुम्हाला जर कुठं थांबायचं असेल हां तर रस्त्यामध्ये नका थांबा, पेट्रोल पंप वरती टोल नाक्यावरती थांबा। हो हो चालेल। आणि काय अडचण आली तर 4:41 शेवटी 95 कॉल करा। देखा देश तरक्की कर रहा है कि नहीं? हाँ कर रहा है। वोट किसको देगी? मोदी सरकार। नसीब कुछ और बोलती ना, इधर ही उतार देता तुमको वो भी। देखो मैं मान, जब तक मैं 15 लाख अपना लूंगा नहीं ना, तब तक मोदी को मैं जाने नहीं दूंगा। और जब तक मेरे को आलू के बदले सोना नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं राहुल गांधी को आने नहीं दूंगा। और जब मैंने लास्ट फ्यूल किया था तब से अब तक 460 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी। अभी फिर से टैंक फुल करते हैं, देखते कितना लीटर आता है, फिर उसको डिवाइड करके देखते हैं एवरेज क्या मिलता है। 24 का माइलेज मिल रहा है गाड़ी में, बताओ 9 साल पुरानी गाड़ी लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, इतना अच्छा एवरेज। और ये आ गया वेलकम टू यूपी का बोर्ड। योगी जी है ना, करेंगे उल्टे लोग को सीधा करेंगे। भले गाड़ी उल्टी हो जाए पर सीधा अनिष्का। गाड़ी देखो पूरी बैठ गई है। डिक्की पूरा बंद, पूरा सामान से भरा हुआ है। और इधर का दिखाता हूँ। हाय अनिष्का। उधर कुछ, उधर पंखे इनके रखे, इधर कुछ खाने पीने का सामान, इधर मेरा बैग, उधर आवास। मैडम तेल ले लिए ना? तेल ले लिए ना? पूरी छानते छानते चलना। सामान तो आप सबने देख ही लिया गाड़ी में कितना सामान जाने वाले हैं। सिर्फ मैं, अंजलि और अनिष्का का प्लान था नीचे मस्त एकदम बेड बना के सोते हुए जाएगी, पर अभी इतना सामान हो गया कि ऊपर तक हमने सामान रख दिया, क्योंकि मैंने सीलिंग फैन ले लिया गांव के लिए, 10 फैन ले लिया, तो पूरा जगह ऑलमोस्ट गाड़ी में खत्म हो चुका। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है, हालांकि ठीक 1 महीने पहले मैं अपने किया कैरन से मुंबई से जौनपुर उत्तर प्रदेश गया था, सेम वही रूट लेंगे, मुंबई से नागपुर, नागपुर से जौनपुर। बट खास बात यह है कि आज हम अपने हुंडई एक्सेंट से करने वाले, जो कि एक्सेंट है हमारी 8 साल कंप्लीट हो गए, 9वां साल लगे, मतलब इतना साल पुराना गाड़ी है। और 1,42,000 गाड़ी चल चुकी है, और इतनी फुल लोडेड गाड़ी हम लेके जाने वाले, तो ये बहुत बड़ी। व्लॉग में बने रहे, पूरा मजा आएगा, डिटेल भी थोड़ा देने की कोशिश करूंगा और व्लॉग भी देखेंगे। क्या हुआ, रेडी हो जाओ जल्दी। अरे कपड़े नहीं, हेयर कौन कॉम करेगा, जंगली दिख रही हो, जंगली। घर का कंडीशन देखते हैं, सोफा वगैरह ढक दिया है, वहां पे भी ढक दिया है। अरे बाप रे, ये अभी भी बैग है कुछ बचे, ये 3 बैग कैसे आएगा सामान गाड़ी में। 7:08 हो गए, 4:30 बजे का उठे, 6 बजे के निकलने का प्लान था। चलो ठीक है, लेट ही निकल रहे पर ठीक है। चलो भाई भगवान का नाम लो अनिष्का। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय बजरंग बली। तुम्हारे भी भगवान है तो सारे भगवान। चलो भाई आज का day 1 नागपुर। देख लो भाई गाड़ी चली अपनी 1,42,648। की खास बात है, ये गाड़ी को हम लोग लेके जा रहे हैं यूपी, यहाँ से अभी समर्स में एकदम फुल्ली लोड करके। अभी फिलहाल फाउंटेन पहुंच गया, रुका हूँ क्योंकि एक गाड़ी हमारे साथ और है, टाटा नेक्सॉन, मेरी सिस्टर है वो भी हमको ज्वाइन करने वाली है टिल प्रयागराज तक में, फिर वहां से तो 100-150 किलोमीटर अपना घर है, तो उनका वेट कर रहे हो, आ जाएंगे फिर आगे निकलेंगे। इंस्टाग्राम रील चालू। यू एंजॉयिंग? यस। जनरल डिब्बे में बैठी हुई ऐसा लग रहा है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अपना फाउंटेन का जो जिला पास जाम है। 8:00 एक घंटे में हम लोग ने 40 किलोमीटर लगभग आगे कल्याण का हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, कल्याण फाटा क्रॉस कर रहे हैं। मैडम का ब्रेकफास्ट चालू। और अनिष्का आपको कुछ खाना है कि सोना है? खाना है, खाना है, खा के फिर सोना है। ठीक है चलो एंजॉय करो, एंजॉय। बेटा अभी 10 मिनट आगे 1 घंटे पता चलेगा, जो दर्द होगा ना कमर पैर सब पता चलेगा। टिल शाहपुर तक तो ऐसा लगता है सिटी में ही चल रहा है, इतने सारे ट्रक, इतनी सारी गाड़ियां होती है। फर्स्ट टोल ऑफ द डे। 3 दिन पहले मैंने रिचार्ज किया था, 3,000 रुपीज का रिचार्ज किया था, बट बैलेंस मेरे को कल तक दिखा नहीं रहा था। अभी चेक करते हैं टैग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ तो इश्यू तो नहीं हुआ है टैग में। हाँ खुल गया, खुल गया, मतलब वर्किंग में। अनिष्का यू गोइंग टू स्लीप नाउ? यस, गुड नाइट। एक्सेंट, चलो टायर अंदर नहीं गया, मतलब ज्यादा लोड नहीं हुआ है। क्या लग रही है, लग रहा है इसको 9 साल हो गया गाड़ी को। 80 किलोमीटर हम लोग आ गए, अभी भी हम लोग नेक्सॉन का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे है, तो लोकेशन सेंड कर दिया, लोग आएंगे तब तक हम लोग वॉशरूम यूज कर लेते और वहाँ पे हवा भी भर लेते, एक बार चेक कर लेते।
और नेक्स्ट वन भी आ गई सामने है। अभी तक हम लोग रुक के मिले नहीं है, बस कंटिन्यू चल रहा है। कहीं आगे रुकेंगे ना तो देखेंगे उनकी गाड़ी का क्या हाल, कितना सामान रखा गाड़ी में। उन्होंने नाश्ता नहीं किया था तो नाश्ता करने के लिए रुक गए, तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। अपने पास तो सैंडविच वगैरह बहुत कुछ पड़ा है, फ्रूट्स है, सैंडविच है, तो टाइम इसमें वेस्ट नहीं होता है, फटाक से पहुंच जाए। क्या हुआ अनिशा, आपको भी चाहिए? आप बहुत गैस छोड़े, चुपचाप बैठो अभी। मेरे को शिरडी के साहिबा पालकी लेके जा रहे हैं। हम लोग शाहपुरे तब से देख रहे कितने लोग चल के जा रहे हैं यहाँ से। अभी तो अभी कसारा घाट चलने वाले, चढ़ के लोग जाते हैं। बाप रे, एक तो विरार नाला सुपारा मंडल से आई, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, इतने दूर दूर चल के आ रहे हैं। मतलब 240-250 किलोमीटर है चल के आ रहे हैं लोग। अभी गर्मी, हाँ गर्मी में मानना पड़ेगा, देखो डांस कर रहे हैं। देखो हमको माउंटेन देखना है पर स्नो वाला देखना है। हाँ। ये वाला देख देख के हम लोग बोर हो गए एकदम। हाँ। है ना निशका? हाँ। बेटा अपने महाराष्ट्र में स्नो नहीं पड़ती। हम लोग कसारा पे वेट कर रहे थे, वो लोग आगे निकल गए। मतलब चलते रहो, खाली रुको मत, टाइम वेस्ट नहीं करने का। ये लो कसारा घाट शुरू। हाँ। ये लो माउंटेन के ऊपर जा रहे हम। माउंटेन के ऊपर जा रही हो? हाँ। ठीक है लो बेटा बैठ जाओ, बहुत ज़िगज़ैग है बेटा बैठ जाओ। लो भाई कसारा घाट का ये भी एक मजा है, ट्रैफिक जैम लग गए। बस यहाँ से नासिक रोड छोड़ेंगे, यहाँ से राइट लेंगे तो सीधा समृद्धि एक्सप्रेस लग जाएगा टिल नागपुर नॉन स्टॉप एकदम। आपको क्या कुछ बोलना है? नहीं आप हाईवे का मजा लो, हम भी मजा लेते हैं। अपनी एक्सेंट पहली बार समृद्धि पे आ रही है। यस सर, नमस्कार। ऐसा है ना कि समर्स चालू हो गए, टायर इतना गर्म होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई मैं 80-90 चलूंगा, तो अभी मैं लास्ट मंथ आया था तभी ये सब नहीं था। अभी हर एक गाड़ी को रुका रुका के बोल रहे कि भाई बीच में कहीं रुकना नहीं है, फ्यूल पंप रहेगा यहाँ, जहाँ पे रुकने का बनाया रहेगा वहीं पे आप रुकिए। और दूसरा चीज, अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो नंबर है, नंबर पे कॉल कीजिए। देखा देश तरक्की कर रहा है कि नहीं? हाँ कर रहा है। वोट किसको देगी? मोदी सरकार। नसीब कुछ और बोलती ना इधर ही उतार देता तुमको वो भी। देखो मैं माल जब तक मैं 15 लाख अपना लूंगा नहीं ना, तब तक मोदी को मैं जाने नहीं दूंगा, और जब तक मेरे को आलू के बदले सोना नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं राहुल गांधी को आने नहीं दूंगा। पहला स्टॉप लिया, पहला फ्यूल ब्रेक नहीं, हवा भरना था, बट दोनों पंप बंद है। वाह गाड़ी बंद ही नहीं कर रही, इतना गर्मी है बाहर। एक चिरकोट बाहर। इतना दांत किधर गया? दिखा वापस दिखा। हाईवे टनल दिख रहा है, टनल। ये कुछ वॉशरूम की हालत है, जब नया बना था तब एकदम चकाचक था, अभी ट्रक वाले यूज करके इसको बैंड बजा देते। और हम चलो बैठो कि आपको धूप में रहना है। खुला है जाओ इसको बिठाओ जल्दी। अनिश्का वॉचिंग यू, मस्ती नहीं। लंच हम लोग स्किप करें क्योंकि भाई इतनी रश है ना, टाइम पूरा खराब हो जाएगा। आज जो ट्रिप हो रही है मुंबई से यूपी की, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम किस गाड़ी में कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। 1,43,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और जब मैंने लास्ट फ्यूल किया था तब से अब तक 460 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी। अभी फिर से टैंक फुल करते हैं, देखते हैं कितना लीटर आता है, फिर उसको डिवाइड करके देखते हैं एवरेज क्या मिलता है। 24 का माइलेज मिल रहा है गाड़ी में, बताओ 9 साल पुरानी गाड़ी लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, इतना अच्छा एवरेज। तो 2016 में गाड़ी लिया था। मैंने रखा है एक्सीलेटर के पास में, राइट पैर एकदम दर्द होने लगा।
कैरेंस में कैसा है ना, मस्त एकदम क्रूज कंट्रोल है, डाल दो गाड़ी आराम से, पानी डाल के पलटी मार के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। पिछले 120 किलोमीटर से ऐसा मैं एक्सीलेटर दबा के रखा हूँ बस, तो पैर दर्द होने लगा, ऐसे थोड़ा भी लेफ्ट पैर से चला। ये ब्रिज क्यों मालूम है, किस चीज़ का ब्रिज है? सो रही थी ना कब से, ये जानवरों को क्रॉस करने के लिए, जानवर रोड पे नहीं आए यहाँ से वहां जाए, उन लोग के लिए बनाया ब्रिज। ब्रिज है, अंडरपास भी है, अंडरपास भी है। हाँ उनका भी सेफ्टी और जो लोग आएंगे इस पे उन लोगों की सेफ्टी। लास्ट मंथ में आया था पूरा खाली था, अभी देखो इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है। ये समर वेकेशन शुरू हो गया ना, सबको गांव जाने का है, तो हम लोग अभी खाना नहीं खा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ दूर कहीं बारिश हो रही है और यहाँ पे भी बारिश का मौसम लग रहा है मेरे को। क्या बेटा आपको भी लग रहा है बारिश होएगा? तो मोबाइल में से बाहर तो निकलो पहले। और क्लाइमेट भी यहाँ पे ना थोड़ा ठंडा हो गया है, बारिश होगी ना तो गाड़ी मेरी पूरी इतनी अच्छी खासी जो चमक रही है ना गंदी हो जाएगी और स्पीड भी थोड़े कम हो जाएंगे। अभी यहाँ से नागपुर लगभग कितना किलोमीटर है, 260-270 किलोमीटर के आसपास। 4 बज रहा है, 7 बजे तक टच हो जाएंगे। उसके बाद होटल ढूंढना सबसे बड़ा टास्क है, होटल हमने कोई बुकिंग की नहीं है। होटल मिल जाएगा तो खाना भी हो ही जाएगा। अच्छा खा रही है सो रही है फिर भी खाना चाहिए, खाना मतलब प्रॉपर खाना। और 7 बज रहे हैं, अब जाके हम एग्जिट कर रहे हैं समृद्धि को। बहुत हमने टाइम वेस्ट किया है, हर जगह रुके हैं, चाय के लिए रुके हैं, सुसु ब्रेक के लिए रुके हैं, अब एग्जिट कर रहे हैं। समृद्धि उतरने के बाद में अंधेरा हो गया था, फिर होटल ढूंढते 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 हम रामटेक तक पहुंच गए थे, लगभग और 100 किलोमीटर हम समृद्धि से आ चुके। अब रामटेक के अंदर शिवरी का जंगल शुरू हो जाए, जो होटल मिला वो होटल में स्टे कर लिया। होटल बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे, रामटेक मंदिर। आज मौसम भी सही नहीं, रात भर बादल गरज रहा था, बारिश हो रही थी, अभी भी हल्की सुनाई दिया कुछ, बादल गरज रहे हैं। ये अपना रूम, छोटा सा कूलर है, कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ी इतना ठंडा मौसम। अनिश्का लल्ला ओए चलो 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 जाना है, देखो अतर भैया रेडी हो गए, चलो चलो चलो। हम लोग महाराष्ट्र से एमपी के बॉर्डर में एंटर कर रहे हैं, सुबह जल्दी तो निकल गए, अब कहीं पे ना चाय पियेंगे, क्योंकि भाई मौसम भी इतना बढ़िया हो रखा है कि चाय पियेंगे, कहीं पे पोहा वगैरह खाएंगे, एमपी में पोहा बहुत फेमस है। हम क्रॉस कर रहे हैं शिवनी के जंगल, यहाँ पे तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मैडम का अवतार चेंज हो गया है? क्या है ना अभी गांव में जा रहे हैं ना, तो उधर सास ससुर होंगे, उसके बाद में अटीदार पटीदार खानदान और गांव के लोग भी आएंगे, अरे आ गए सब मिलने आएंगे, तो फर्स्ट इम्प्रेशन ना। चलो भाई पोहा चाय खाएंगे। यहाँ पे गाड़ी का हालत क्या हो गया मेरे, बारिश के से पूरा गंदा हो गया। अपना रिव्यू तो अच्छा है, मोटा तुमको भी तो अच्छा है। देखो कितने सारे मंकी है बेटा, हाँ एकदम सेम आपके जैसे ना। ऑटो कट फुल करो, हाँ डीजल है डीजल, 482 चला है, अभी देखते हैं कितना है आता लीटर। 22 हम लोग जो भगा के आ रहे हैं ना, तो 120 चल रहा हूँ कंटिन्यू समृद्धि उतरने के बाद में, और फिर भी गाड़ी 21 का माइलेज दे रही है। और बताओ क्या चाहिए, और बताओ क्या चाहिए अनिश्का? ओरियो चाहिए, कोई ओरियो चाहिए अनिश्का को, ओरियो चाहिए। जबलपुर यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके चलाना, क्योंकि ना अभी पिछले मोड़ पे एक गाय इतनी जोर से बीच में आई ना, अचानक से कूद गई, इमरजेंसी ब्रेक मैंने लगाया। अब यहाँ से टिल प्रयागराज तक है ना आपको रोड पे गाय बस देखने मिल जाएगी, तो ये आपको ध्यान देना है अगर आप 100 पे क्रूज कर रहे हो, 100-110, तो इतना मेक श्योर कि इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है। फिलहाल रोड बहुत मस्त है, बाहर कड़ाके की धूप पड़ रही है, अंदर एकदम चिल्ड माहौल है। आपका नाम बताइए? अनिकेश सिंह, अनिकेश सिंह, अनिकेश, अनिकेश जी। कहाँ से आ रहे हैं अनिकेश? बॉम्बे से आ रहे हैं सर। कहाँ जा रहे हैं? यूपी। यूपी नेटिव हमारा होम टाउन जौनपुर। थैंक यू। पहले कैमरा देखा एकदम, सोचा क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं। चलो ठीक है, गोप्रो का फायदा होता है कभी कभी।
सो भाई पहुंच गए जबलपुर। बहुत ही प्यारा सिटी है जबलपुर। फिर सालों से मन कर रहा है कि भाई जबलपुर में घूमना, बट हमेशा टाइम का ऐसा बंदा रहता हूँ ना मैं, जबलपुर में पूरा घूमे, खास करके वाटरफॉल है मेरे साथ, मेरे बिना नहीं। अच्छा, वाटरफॉल है यहाँ पे, बेड़ा घाट है, काफी कुछ है जो जबलपुर में घूमने के लिए। मतलब आप आओगे तो 2-3 दिन रख के आना पड़ेगा यहाँ पे। अगर जबलपुर से कोई देख रहा है तो भाई बताना आपके यहाँ पे क्या क्या है घूमने जैसा, मे भी रिटर्न जाते वक्त मैं प्लान करूँ। फिलहाल टाइम हो रहा है 11:40, कहीं रुका ही नहीं है, नाश्ता किया उसके बाद कहीं रुका नहीं, नॉन स्टॉप चलते आ रहे हैं। सीधा रुकेंगे मैयर, हमेशा का ढाबा है वहीं पे हम लोग बैठ के खाते हैं, न्यू चौरसिया ढाबा, उधर हम लोग खाते हैं, वहीं पे रुकेंगे टिल नॉन स्टॉप। मेरे ख्याल से यहाँ से कटनी 80, मैयर 60, मतलब 150 किलोमीटर और जाने का हम लोग को लगभग। 2 बजे ठीक है ना, 2 बजे खाने का टाइम है ना, ठीक है ना, खाने के टाइम पे खाएंगे। नी बाईपास का अभी भी काम चालू है, काम कम्प्लीट है, पूरी लाल मिट्टी है, लाल गाड़ी मेरी और लालम लाल हो गई है। कटनी बाईपास खत्म करते चढ़ते आपको सबसे पहले फ्यूल पंप मिलेगा, उसके बगल में ये रेस्टोरेंट है वे साइड कटनी, क्या नीट एंड क्लीन वॉशरूम है यहाँ पे खाना पीना भी आपका मतलब अच्छा खासा हॉल्ट हो जाएगा आपका, और बच्चे लोग भी खुश। ए चिरकोट, दांत दिखा तेरा, दांत दिखा, नहीं दिखा है। मैयर देवी दिख रही है यहाँ से? हाँ दिख रही, बताऊंगा आगे। भाई जोर से बोलो, मैयर माता की जय, मैयर माता की जय, जय माता दी, जय माता जी। चलिए भाई खाना खा लिए, एक नंबर खाना मिलता है, मस्त दबा के घर वाला खाना। और यहाँ पर तो हमारी गाड़ी है, यहाँ पर हतर भैया की गाड़ी। चलिए हाईवे पकड़ते हैं सीधा, अब दिख रहा सीधा प्रयागराज मुझे। ये हम लोग पहुंच गए चाक घाट, चाक घाट उतर रहे, इसके बाद में उतरते ही आएगी एक नदी, वो नदी बॉर्डर है, नदी के वो साइड आ जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। क्या कह रहे थे बेटा, किया सोनेट है वो। घाट उतरने के बाद में आ जाएगा अपना यूपी, प्रयागराज चालू हो जाएगा। और ये आ गया वेलकम टू यूपी का बोर्ड, योगी जी है ना, करेंगे उल्टे लोग को सीधा करेंगे, भले गाड़ी उल्टी हो जाए पर सीधा। अनिष्का, यूपी में सबसे ज्यादा क्या चलता है? उसके अलावा कोई गाड़ी चलती है? खाली क्या चलता है? ये अपने प्रयागराज का सीलिंग है, जैसे बांद्रा सीलिंग है वैसे अपना प्रयागराज का सीलिंग। पहुंच गए गांव, ये रही अपनी कैरेंस और ये रहा अपना एक्सेंट। चलते हैं ऊपर से आपको घर दिखाते, घर का काम दिखाते हैं। ये छत पड़ी, एक बड़ा सा हॉल इधर आ गया गेस्ट लोग के लिए। किचन क्या में बाबा मंदिर में, यहाँ पे 2 रूम, टॉयलेट, हाँ वॉशरूम गए, यहाँ पे कमरा, यहाँ पे एक, फिर एक बड़ा सा हॉल विथ अटैच टॉयलेट, एक दूसरा कमरा वहां पे, टेरेस आंगन, एक कमरा इधर, अभी यहाँ पे रेलिंग वगैरह सब आएगा, ऊपर रेलिंग आएगी, ऊपर भी टेरेस है, तो 2 माला बन गया। और ये अपना छत, चाहे इधर सो चाहे ऊपर सो।
हाँ जी, तो भैया गांव से हम वापस से मुंबई आ चुके हैं। गांव जाने का मेन मकसद ये था कि भर हमारा घर जो तैयार हुआ, अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, बट जितना भी तैयार हुआ था, मन्नत मांगा था कि गांव का जो मंदिर है वहाँ भंडारा कराएंगे, तो भंडारा कराए, फिर हम वापस मुंबई आ गए। अब काम धंधे में लगे। अगर यहाँ तक आपने ब्लॉग देखा तो भाई ब्लॉग को लाइक करके जाओ, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। एक्चुअली मैं फैमिली व्लॉग बहुत कम ही बनाता हूँ, जब ऐसा फैमिली के ट्रिप करता तो ही व्लॉग बनाता हूँ। मेरे जो डेली व्लॉग है वो बाइक से रिलेटेड रहते हैं, अपने एसडी एडवेंचर से रिलेटेड रहते हैं, टूरिस्ट से रिलेटेड रहते हैं। तो मुंबई से जौनपुर का जो टोल लगा है लगभग 2400 का टोल लगा, और अपनी हुंडई एक्सेंट 9 साल पुरानी एक्सेंट ने क्या परफॉर्म किया यार, मानना पड़ेगा। रिटर्न भी उसको लेके आया। सो बस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, लगता है मुझे बहुत ज्यादा बड़ा व्लॉग बन गया। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन लिव फ्री, राइड हार्ड एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत, बाय।